हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेघास फूड कॉर्नर। आज के वीडियो में हम तिल और बादाम के बेहद ही स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू कैसे बनाएं ये देखेंगे। मकर संक्रांति भी आ रही है तो उस अवसर पर हम ये लड्डू बना सकते हैं। साथ में इसे पूरी सर्दी के मौसम में हम खा सकते हैं। लड्डू खाने में तो स्वादिष्ट होते ही है, लेकिन शरीर को बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये लड्डू हम खजूर, बादाम, सिंग दाने और नारियल के बूरे से बनाएंगे। इन सब में इतने विटामिन्स और मिनरल्स भरे हैं जिसका फायदा आपकी पूरी बॉडी को होता है। इनसे आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, आंखों को बहुत फायदा पहुंचता है और बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे पदार्थों में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी भर भर के होता है। ये लड्डू हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसके सेवन से मजबूती बनी रहती है, आपको एनर्जी भी मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा बना रहता है। विमेंस को ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बैक पेन या कमर दर्द है, विमेंस में तो बहुत ही कॉमन है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स पर ये मिक्स लड्डू का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए लड्डू कैसे बनाएं आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये सिंग दाने अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सिंग दाने को रोस्ट करके इसे ठंडा कर लेना है ताकि इसके छिलके अच्छे से निकल सके। तो इसे धीमी आंच पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसका छिलका निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, इसमें क्या क्या लेना है। इस ठंडी हम बनाने जा रहे हैं गुड़, बादाम, तिल, सिंगदाना, खोपरा और खजूर के पाउडर के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही पौष्टिक होते हैं, तो आइए इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है तिल एक कटोरी। आप कोई भी कटोरी का साइज ले सकते हैं, उस हिसाब से आपको ये इंग्रेडिएंट्स लेना है। तो यहाँ मैंने ये कटोरी का एक साइज है, उस हिसाब से मैंने सारे लिए हैं। तो आप कोई भी कटोरी का साइज ले सकते हैं। तो उसमें मैंने लिया है एक कटोरी तिल, एक कटोरी सिंगदाना। ये मैंने रोस्ट करके उसका स्किन निकाल लिया है। एक कटोरी ग्रेटेड कोकोनट है, ये डेसिकेटेड कोकोनट। एक कटोरी यहाँ हमने लिया है खजूर का पाउडर, ये भी रेडीमेड दुकान से मिलता है, आप दुकान से इसे ला सकते हैं। और एक कटोरी यहाँ हमें गुड़ लेना है। आधा कटोरी हम रोस्टेड बादाम लेंगे। बादाम मैंने रोस्ट कर लिए हैं और यहाँ पर ये मैंने आधा कटोरी घी लिया है। और यहाँ मैंने 5 से 6 इलायची का पाउडर बना लिया है, तो ये इलायची का पाउडर लेना है हमें। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हम सिंगदाना, मूंगफली के दाने को रोस्ट कर लेंगे, बादाम को भी रोस्ट कर लेंगे। पहले हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, गैस को मीडियम ही रखेंगे। यहाँ हम इस तिल को थोड़ा सा भून लेंगे। ये मैंने सफ़ेद तिल ले लिए थे, इनको धोकर अच्छे से सुखा कर रख लिया था। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे ब्राउन होने तक। ये हो गए हैं, कैसे पहचानेंगे, जब इसका रंग चेंज हो जाएगा और ये थोड़े ब्राउन हो जाएंगे और ये चटकने भी लगते हैं थोड़ी देर में। ज़्यादा नहीं भुनना है हमें इसे। भुनने से ये फूलने भी लगते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे तिल रेडी हो गए हैं। कभी भी आप तिल लाएं तो उसे वैसा ही न रखें, क्योंकि तिल में कीड़ा लगने की
प्रॉब्लम होती है, तो इसे हम लाकर धोकर सुखाकर ऐसे इस तरह से रोस्ट करके रख दें तो हम कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जिसे हमें किसी तिल की चटनी बनानी हो या किसी और भी चीज़ के लिए, इसे हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं अच्छे से। रोस्ट करके रख दिए तो हमारा तिल हमारे लिए कभी भी यूज़ करने के लिए उपलब्ध हो जाता है। ठंडी के समय में तिल के कई सारे पदार्थ बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू है, तिल की चिक्की है, अभी हम जो ये पौष्टिक लड्डू बनाने जा रहे हैं। अब इसका काफी हद तक रंग बदलने लगा है और ये चटकने भी लगे हैं। इसे ज्यादा भी नहीं भूनना है, नहीं तो तिल काले हो जाते हैं और फिर कड़वाहट इसकी बढ़ जाती है। अब हम इसे बंद कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। अब हम यहाँ कोकोनट पाउडर को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इसको भी हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसकी अच्छी एक सुगंध आने लगती है जब ये भून जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी ब्राउन होने लगता है, तो ध्यान रहे ये जले ना। इसकी अच्छी सुगंध आ रही है, आप देख सक रहे हैं ये ब्राउन होते जा रहा है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से भून गया है अभी। कोकोनट पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ये रोस्टेड मूंगफली के दाने डालेंगे, बादाम भी ऐड कर देंगे। बादाम आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, ये डालना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में आप दूसरे सूखे मेवे भी डाल सकते हैं इसमें, जैसे काजू, पिस्ता और भी दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सारे भी मिक्स कर सकते हैं। जितना आप डालेंगे उतनी इसकी पौष्टिकता बढ़ती है, लेकिन मैं चाहूँगी बादाम आप ज़रूर डालें क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है इसमें का। साथ में इसमें आप बादाम को भी थोड़ा सा पीस लेंगे, दरदरा पीस लेंगे इसको। बादाम को यहाँ दरदरा पीस लिया है, थोड़ा मोटा ही रखना है पाउडर इसका, ये हम मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर यहाँ, गुड़ को मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिया है। गुड़ को भी हम एक कटोरी लेंगे। खजूर का जो पाउडर होता है उसमें भी मीठापन होता है, इसलिए हम गुड़ यहाँ कम लेंगे। तो एक कटोरी खजूर का पाउडर और एक कटोरी गुड़, तो इसका बैलेंस हो जाएगा। ये भी हम मिक्स कर देंगे इसमें। और ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिश्रण जो तैयार हुआ है इसे मैं अब मिक्सर से निकाल लूंगी और उसमें हम ये घी ऐड कर देंगे। तो मैं ये मिक्सर से निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने मिक्सर में से निकाल लिया है।
इस मिश्रण का अब हम लड्डू बनाएंगे। बादाम तिल मूंगफली सब में अपना अपना तेल होता है, तो घी हम एक या दो चम्मच ही डालेंगे जब मिक्सर में से निकालेंगे, तो ये बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से हो जाता है। ये देखिए, आप मीडियम साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। ये लड्डू बहुत ही पौष्टिक होते हैं, खाने में इतने टेस्टी होते हैं, आप ज़रूर से बनाइए और खिलाइए। इस तरह से हम ये लड्डू बना देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं। तो इस तरह से हम ये लड्डू बना लेंगे। बहुत ही पौष्टिक, ठंडी में खाने के लिए ये लड्डू हमारे तैयार हैं। अगर आप 1 किलो लड्डू बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से प्रमाण ले सकते हैं। प्रमाण को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और छोटे बड़े लड्डू बना सकते हैं। साइज़ आप कैसे भी बनाएं, आपके हिसाब से। ये लड्डू घर में सबको पसंद आते हैं, छोटे बड़े बूढ़ों को सबको पसंद आएंगे। इसे आप सुबह के वक्त सेवन कर सकते हैं। सुबह के वक्त इसका सेवन करने से दिन भर एनर्जी बनी रहती है। तो ऐसे लड्डू ज़रूर से बनाएं, खाएं और खिलाएं। तो ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय गुड फूड। बाय।